खबर है उत्तर प्रदेश की, जहां पर सत्ताधारी बीजेपी पार्टी में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ बैठक उन्होंने की और इस बैठक में प्रदेश बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। बीएल संतोष आज यूपी के वरिष्ठ मंत्री सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा से भी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों को अगले साल यानी 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तो उठा पटक, राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में तेज हो चुकी है। इस बैठक के मायने क्या हैं, ये आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगठन महासचिव बीएल संतोष यूपी के दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है। बीएल संतोष उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ बैठक कर चुके हैं और बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। जो जानकारी मिली है, बीएल संतोष आज यूपी के वरिष्ठ मंत्री सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा से मुलाकात करेंगे और इसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में मंत्री नहीं है, 4-5 मंत्री अभी आए थे, लेकिन कोरोना काल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा का कार्य किया, एक तो उसकी समीक्षा की है और तीसरी लहर यदि आती है तो पार्टी क्या करेगी और सरकार क्या करेगी, इस विषय पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है और उसकी तैयारी के लिए भी योजना बनाई है। तो इसी से नहीं, ये शेड्यूल है मेरा, बल्कि इस बार लेट हुआ, महीने में 2 बार हम महामंत्रियों और क्षेत्रीय अध्यक्ष के पास बैठते थे, इस बार लेट हुआ। क्या संगठन और इसमें फेरबदल की जो बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो बैठक थी शेड्यूल बैठक थी, इस बार थोड़ा लेट हुआ है, जिसमें हम क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ और महामंत्रियों के साथ बैठते हैं, वो बैठक थी, और दूसरा जो कोर ग्रुप बैठती है, तो शेड्यूल हमारी बैठकें और बीच बीच में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी आते हैं। ये 2022 से क्या इस बैठक को देखा जाए कि उसको लेकर के? देखो, बीजेपी 12 महीना चुनाव की तैयारी में रहता है, बाकी दल जब चुनाव आते हैं तो अपनी गतिविधियां तेज करते हैं, लेकिन बात बीजेपी तो हमेशा इसी काम में लगा रहता है। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में सारे दल के नेता क्वारंटाइन थे, एक बीजेपी थी जो पूरे क्षेत्र में उसके कार्यकर्ता घूमकर सेवा का काम कर रहे थे। तो हमारा अहिरनिश चलने वाला ये काम है। जेपी नड्डा जी और अमित शाह का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि इस हफ्ते वो आने वाले हैं यूपी? नहीं नहीं, अभी तय कुछ नहीं है, लेकिन हर राज्य में जाते रहते हैं, यहाँ आए थे, फिर भी आएंगे, आगे भी आएंगे। बैठक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। अरे मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे, क्या बात है। केवल एक ही उद्देश्य है, कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो। क्या हुआ? कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, कोरोना पे नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाएं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सके, यही चर्चा के विषय है। विशाल पांडे जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। विशाल, संगठन महासचिव का दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करना और फिर आगे दो वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात है, चुनाव से पहले एक साल पहले, इस मंथन को कैसे समझें? देखिए पयोधी, बीएल संतोष कल से लखनऊ में है, कल उन्होंने 7 मंत्रियों से मुलाकात की थी और आज भी लगभग 8 से 10 मंत्रियों से वो मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान वो 4 से 5 सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, संगठन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, 2022 में क्या चुनौतियाँ रहने वाली हैं, ये सवाल वो मंत्रियों से पूछ रहे हैं और 5 साल के दौरान खासतौर पर सरकार का कामकाज कैसा रहा, ऐसे सवाल कुछ पूछे गए जो कुछ मंत्रियों से हमारी ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हुई, उस आधार पर ये चीज़ें पता चली हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा से आज सुबह मुलाकात की, उनसे भी काफ़ी फीडबैक लिया और आज शाम
बीएल संतोष वापस दिल्ली जाएंगे, जहां पर दिल्ली में भी उनकी कुछ नेताओं के साथ बैठक है। बीजेपी की पूरी रणनीति 2022 के चुनाव को लेकर है, क्योंकि मात्र 6 से 7 महीने का वक्त बचा हुआ है और इस कोविड की दूसरी लहर के बाद से और जिला पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए थे वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे। इसीलिए एक अलार्मिंग सिचुएशन को देखते हुए बीजेपी लगातार ये कई बैठकें कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि ये कोरोना सेवा भाव को लेकर बैठक है, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो जो पदाधिकारियों के साथ बीएल संतोष की बैठक हुई थी उसमें कोविड को लेकर उन्होंने जरूर कुछ गाइडलाइंस दी थी, लेकिन जो मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं वो कई सारे सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जो 2022 को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है उसी के हिसाब से बनेगी। और केशव मौर्य ने भी अभी बाहर निकलकर जो मीडिया से बातचीत की उसमें वो कह रहे हैं 2022 में कैसे पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बने, इन सब चीजों को लेकर ही बैठक संगठनात्मक बैठक है, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन बीएल संतोष आज यहाँ से वापस जाएंगे, मंथन किया जा रहा है या कोई बदलाव नहीं होगा इस बात से अभी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तस्वीर और साफ होनी बाकी है। धन्यवाद आपका विशाल, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे इस बाबत। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।